हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आता है और यह एक प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये आपके लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का आएगा। और यहाँ पे हम आपको गारंटी देते हैं 100% कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए, आपको फॉर्मल्डिहाइड यानी कि इसे फॉर्मलिन भी कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से कहते हैं ये भी बताएंगे इस वीडियो में, और इसके प्रयोगशाला विधि यानी कि ये आपको वाइवा में भी काम देगा, तो प्रयोगशाला विधि को भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका फिगर बताएंगे, फिर इसकी विधि और इसके रिएक्शन, फिर इसके उपयोग भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कर देना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आएगा। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी। और यहाँ पे देखिए, जानना होगा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका फार्मूला क्या होता है और उसकी IUPAC नेम। तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका फार्मूला होता है HCHO, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना होगा HCHO, और इसकी जो IUPAC नेम होता है वो होता है मेथेनल। क्या होता है? मेथेनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले लिख देना है, फिर उसके बाद देखिए अब इसकी हम विधि देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको बनाने में जो सामग्री है वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक गोल पेदी का फ्लॉक्स है और यहाँ पे एक वाटर बाथ है जिसमें जल भरा हुआ है, जिसकी जो ताप है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है जिसके सहायता से इसको गर्म किया जाता है, और यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है और यहाँ पे प्लेटेनिस्ट एस्बेस्टॉस रखा हुआ है जो कि एक उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रखनली देख रहे हैं और यहाँ से 2 प्रखनली निकले हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक में से एयर आ रहा है। और यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है जिसमें से जल जिसमें रखा है और इसमें क्या है, प्रखनली लगा हुआ है, और यहाँ पे चूसर पंप है। तो इसके बाद देखिए, अब इसमें ये हो गया सामग्री, अब इसकी विधि देखेंगे कि इसकी मेथड क्या है, यानी किस तरीके से जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्रयोगशाला में बनता है, ठीक है। तो आप सामग्री में हेडिंग डालकर इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिए अब इसकी विधि देखेंगे। तो विधि इसका क्या है, तो देखिए मेथिल अल्कोहल है और यहाँ पर हम क्या करें, एयर। तो जब यहाँ से हम इस परखनली में एयर को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या कर देता है, अपने साथ मेथिल अल्कोहल यहाँ पे अकेला रहता है, कहता है चलो बेटा तुम भी चलो। तो यहाँ पे देखिए, एयर क्या करता है कि मेथिल अल्कोहल को भी अपने साथ वाष्प के रूप में यहाँ से इस परखनली से ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि मेथिल अल्कोहल और यहाँ पे एयर यानी वायु, तो यहाँ पे देखिए दोनों का वाष्प जब जा रहा है तो इस उत्प्रेरक जो है वो प्लेटेनिकित एस्बेस्टॉस जो एक उत्प्रेरक है इसके, ये क्या है, बिल्कुल लाल रक्त तप्त है, यानी इसको बहुत ही गर्म किया गया है, बिल्कुल गर्म इतना कर दिया गया कि ये रक्त तप्त हो गया है, ठीक है। ये गर्म हो तो इसमें क्या होता है, देखिए जब मेथिल अल्कोहल और वायु का जो वाष्प है जो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जैसे ही संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेथिल अल्कोहल और एयर का यानी वायु का वाष्प है इसमें हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चेंज होने के बाद यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का वाष्प आ रहा है इस परखनली से, और परखनली से आते हुए इस बीकर में आ जाता है जिसमें हमने पहले से ही जल को प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। जल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड को एब्जर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड को एब्जर्ब करने के लिए इसमें बीकर में क्या रखा है, जल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब फॉर्मल्डिहाइड इस जल में अवशोषित हो गया, चूसर पंप के द्वारा इसमें से फॉर्मल्डिहाइड निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया HCHO यानी ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड प्लस जल के 40% जली विलयन को ही क्या कहते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में 40% जली विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे हमारा जो है वो फॉर्मल्डिहाइड बनकर प्रयोगशाला में क्या हो गया, तैयार हो गया। तो जिस तरीके से हमने इसकी पूरी विधि बताया
आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इसी को अपने विधि में लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको विधि लिख कर नहीं बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा जितना भी हमने प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद देखिए, अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे और इसकी उपयोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन, यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया था फ्लॉक्स में, गोलपेदी के मेथिल एल्कोहल, क्या लिया था मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, मेथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है CH3OH। ठीक है, ये है मेथिल एल्कोहल। तो हमने यहाँ पे हमने मेथिल एल्कोहल लिया और प्लस हम ऊपर से एक प्रक नली में क्या प्रवाहित कर रहे थे, वायु, ठीक है, एयर प्रवाहित कर रहे थे, यानी O2। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे तीर की निशान एरो। अब जो उपस्थिति थी यानी जो उत्प्रेरक था कैटलिस्ट वो क्या था, पीटी। तो यहाँ पे उत्प्रेरक जो था वो क्या था, पीटी यानी प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को लिख रखा है। अब देखिए ये क्या बनता है, तो जैसा कि क्या बना था जो कि हमने बीकर में उसको इकट्ठा किया थे वो था फर्मल एल्डिहाइड। उसका फार्मूला क्या होता है, HCHO। ठीक है, ये क्या है फर्मल, तो यहाँ पे फर्मल एल्डिहाइड और प्लस क्या बना था, जल, ठीक है, H2O। तो इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पे H2O। अब देखिए ये हो गया रिएक्शन, अब इसको हम देखेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसको अब संतुलित करेंगे। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का देख लेते, ऑक्सीजन का एक यहाँ पे दो है और एक यहाँ पे तीन हो गया, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे दो ही है, तो ऑक्सीजन को क्या करना होगा, दो करना होगा। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को अगर दो करने के लिए कुछ भी करेंगे तो ये जो तत्व हैं इसमें से एक तत्व क्या हो जाएंगे, तत्व की संख्याएँ बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑक्सीजन को दो। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने दो कर दिया ऑक्सीजन को तो इधर हाइड्रोजन क्या हो गया, दो, यहाँ पे हमने दो कर दिया तो दो का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, चार हो गया, और एक यहाँ पे पाँच, एक यहाँ पे छः हो गया हाइड्रोजन, और इधर कितना है, चार ही है, तो इधर भी हमें करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम दो कर दिए तो यहाँ पे तीन दुना के यहाँ पे छः हो गया और यहाँ पे दो यानी आठ बैलेंस बिगड़ गई। अब देखिए हम यहाँ पे भी दो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने किया तो कार्बन भी तो दो हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमने दो कर दिया फिर, तो यहाँ पे जब दो कर दिए तो अब देखिए सात बैलेंस हो गया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमने दो कर दिया तो सभी तत्वों की संख्या दो हो गई। अब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, दो, चार हाइड्रोजन, दो, यहाँ पे दो किया है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब इसमें गुणा कर देंगे आप तो चार ये हो जाएगा और चार यहाँ पे हाइड्रोजन, आठ हो गए, और यहाँ पे तीन दुना के छः, और यहाँ पे दो है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, छः दुना आठ हो गया, तो आठ इधर हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कार्बन की संख्या दो है तो यहाँ पे हमने दो लगाए थे यानी कार्बन की संख्या दो हो गई, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो लगाए हुए तो ऑक्सीजन दो, दो यहाँ पे चार, और दो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दो, और दो यहाँ पे लगाए दो ऑक्सीजन, यहाँ चार हो गए, और देखिए सभी क्या हो गए, तब तो लग रहा है कि मुझे बैलेंस है, रिएक्शन भी संतुलित हो गया। अब यानी कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, इसको सूंघने से क्या होता है कि आँखों में क्या हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, इसको सूंघने से आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब इसका उपयोग देखेंगे, तो इसका जो उपयोग है वो यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन जो है वो एक गठिया रोग में कार्य आता है। यूरोट्रोपिन बनाने की रिएक्शन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं जानते चैनल पे वीडियो अपलोड है वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका उपयोग यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है तथा इसका उपयोग फॉर्मलिन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा फॉर्मल एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसी तरह अगर आपको और भी फिगर वाले यानी प्रयोगशाला विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी तरह के वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाइए आना चाहिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, ज़्यादा व्यू जाएंगे तो आपको डेली इंपॉर्टेंट
केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहेंगे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कई इंपॉर्टेंट ट्रिक ट्रिप्स के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। और हमने पहले भी केमिस्ट्री के पार्ट सेकेंड सभी न्यूमेरिकल वगैरह सब चीज़ बता चुके, रिएक्शन सभी अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एक हमारा सोनम टॉपर यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सर्च करके वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। ठीक है, उस पर भी स्टडी से रिलेटेड क्लास 12 क्लास 10 सभी के स्टडी वहाँ पे कराए जाते हैं। और हाँ, एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्ज़ाम की। और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।